दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी हटके है, एंड में मेरे कुछ डांस स्टेप्स भी हैं। हंसिएगा नहीं पर देखिएगा जरूर, मजा आएगा। आने वाले लंबे टाइम के लिए हम सब अपने अपने घरों में लॉकडाउन है, और ये आप मान के चलिए कि 21 दिनों में लॉकडाउन खत्म नहीं होने वाला, ये 2 से 3 महीने तक भी चल सकता है। तो उसमें बोरियत भी हो सकती है, पूरा दिन कुछ करने को नहीं होता है, और लाजमी है कि हमें लगता है कि हमारा टाइम खराब हो रहा है, हम कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं। पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी 6 इंटरेस्टिंग चीजें जो आप इस लॉकडाउन के टाइम घर पर कर सकते हैं, जो ना बस प्रोडक्टिव हैं बल्कि आपके लिए बहुत जरूरी भी हैं और आपका टाइम भी अच्छा पास हो जाएगा। लॉकडाउन के चलते घर के बाहर कदम रखना अलाउड नहीं है, और फिर काफी दिनों बाद माँ के हाथ का बना खाने को मिल रहा हो तो कंट्रोल भी नहीं होता। लेकिन हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और लॉकडाउन के दौरान हमें लेजी नहीं होना है। दिन भर का अपना शेड्यूल बनाइए, आप अपने पहले वाले ऑफिस टाइम पर ही उठिए, और जो आपका ऑफिस का ट्रैवल टाइम था उसे आप यूज कर सकते हैं कुछ एक्टिविटी के लिए। आप योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर बालकनी या छत नहीं है तो घर के हॉल में टेबल को साइड करके अपने लिए थोड़ी सी जगह बनाइए, ये बहुत जरूरी है। ना ही हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करेगा, बल्कि साथ ही आप पूरे दिन एक्टिव भी फील करेंगे। आजकल की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में कुकिंग प्रायोरिटी कभी नहीं बन पाती, और स्विगी और जोमेटो के आने के बाद तो हम और भी आलसी हो गए हैं। पर अब लॉकडाउन के समय तो सब रेस्टोरेंट्स बंद हैं, तो क्यों ना हम कुछ नया बनाना सीखें। YouTube के ऊपर बहुत सारी कुकिंग वीडियोस अवेलेबल हैं गाइस, तो जो भी आपको अच्छा लगता हो, जैसे पास्ता, पिज्जा, नूडल्स, या फिर कोई केक बेक करना, दिस इज द टाइम गाइस, डू इट। कुछ टेस्टी, कुछ हेल्दी अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, दिस इज टफ टाइम फॉर ऑल। डू शो लव बाय हेल्पिंग योर फैमिली, कुकिंग विद देम, ईटिंग विद देम, और हाँ, साथ ही आप जाने अनजाने एक टैलेंट या हॉबी तो सीख ही रहे हैं। मैंने आज टूटी फ्रूटी एंड ब्लैकबेरी केक बेक किए, क्योंकि बाकी फ्रेंड्स तो इस वक्त दूर हैं, तो व्हाई नॉट मेक बुक्स योर फ्रेंड्स। आप कोई बुक या नॉवल पढ़ सकते हैं, बुक्स आपकी नॉलेज बढ़ाती हैं, आपके इंटेलेक्ट को इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं। जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट हो उससे रिलेटेड बुक्स आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको पढ़ना नहीं है तो बहुत सारी ऑनलाइन ऑडियो बुक्स आती हैं, आप उनको सुन सकते हैं, कुछ नया कुछ अच्छा सीखने को जरूर मिलेगा। हम सबके अंदर एक कलाकार होता है, अपनी रूटीन लाइफ में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हमारे पास अपने शौक को फॉलो करने का टाइम नहीं होता है। बट नाउ वी हैव इट, आपका कुछ भी शौक हो, स्केचिंग, ड्राइंग, फैब्रिक पेंटिंग, कुछ DIY आपको ट्राई करना हो, आपको लिखने का शौक हो, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आपको पसंद हो, या आप सीखना चाहते हो, सीखने के लिए भी इंटरनेट पे आपको बहुत से ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। तो जो भी एक्टिविटी आपको पॉजिटिविटी देती हो, आपको कंसंट्रेशन देती हो, जस्ट डू इट। कंपटीशन का जमाना है, और इस वायरस के चलते विश्व भर में रिसेशन बस दरवाजे पर खड़ा है। लॉकडाउन खुलते ही भयंकर नौकरियों में कमी होने वाली है, तो क्यों ना इस टाइम में अपने कुछ स्किल्स अपग्रेड किए जाएं, जो फ्यूचर में आपको अच्छे पैकेज के साथ साथ जॉब सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेंगे। ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, कुछ मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन बेस्ड होते हैं, नहीं तो फ्री में ही आप यूट्यूब पर ही सीख सकते हैं। कुछ और नहीं तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर अपनी पसंद की कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। डांस एक अच्छी हॉबी होने के साथ साथ एक अच्छी एक्सरसाइज भी है। जब भी आप फंक्शंस या शादियों में लोगों को डांस परफॉर्म करते हुए देखते हैं तो आपका भी मन करता है कि काश मैं भी कर पाता, पर अंदर से आवाज आती है, तो क्यों ना इस खाली समय में किसी एक या दो गाने पर एक डांस प्रिपेयर किया जाए। आपको किसी डांस टीचर की जरूरत नहीं है, बस अपना मनपसंद गाने की कोरियोग्राफी YouTube पे लगाइए और शुरू हो जाइए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। आपका कोई सवाल हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल द आशिमा शो पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।